जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हस्बैंड का खाना बिल्कुल रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे ऑमलेट हो गया रेडी, तो हमें डब्बे में डाल देते हैं, यहाँ से कर देते हैं चूल्हा बंद। जी फ्रेंड्स, टिफिन तो हो गया रेडी, तो यहाँ पे बर्तन वॉश करने वाले, तो चलते हैं हम बाहर। हस्बैंड जाने लगे हैं तो टिफिन उनको दे देते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए तो इस वजह से। तो बाहर का मौसम तो काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है, तो धूप निकली हुई अच्छी खासी धूप है। तो आज जी फ्रेंड्स, अब हस्बैंड जाने लगे हैं तो हम हस्बैंड को करते हैं बाय बाय। तो फिर हम चलेंगे कमरे में, तो घर की करेंगे सफाई। रात को अंधेरी चली थी तो देखो कितना गंद ऊपर से आया, काफ़ी ज़्यादा रात को अंधेरी आई थी। तो चलो ठीक है फिर हम, ओके बाय बाय। तो अब हम करते हैं बंद दरवाज़ा। तो हम अब हम करके करते हैं सफाई वगैरह। तो अब हम ना कर लेते हैं कमरे की भी साफ सफाई। तो पहले मैं सोच रही हूँ, पहले करती हूँ बर्तन वॉश करती हूँ, यहाँ से क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, तो फिर एक साथ ही ना कमरे की जब करूँगी सफाई तो फिर यहाँ से बाहर भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा गंद हुआ क्योंकि ऊपर से था अंधेरी की वजह से। जी फ्रेंड्स, बाहर से मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली और बर्तन वॉश करके रख दिए, और अब मैं करूँगी कमरे की सफाई। तो आज तो परी का भाई भी आया, हैदर, हैदर नाम है ना आपका। ये देखो, तो आज सुबह सुबह ही आ गए, तो मैं लगाने लगी कमरे में झाड़ू। जी फ्रेंड्स, मैंने पूरे घर की कर लिया सफाई वगैरह, तो यहाँ पे मैंने पल्ली वगैरह भी लगा दिए और घर हो गया अब नीट नीट। कैसे आप सब लोग हैं, हम सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। मैं बिल्कुल लेकर हम दिला सकते वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बड़ वक्त मिल सकता है। तो जी फ्रेंड्स, घर के सारे काम वगैरह हो गया डन, तो अभी मैंने बेडशीट भी सही से बिछानी दोबारा। तो हमारे घर के पूरा काम वगैरह हो गया, तो लाइट हमारी चल चुकी है। तो अभी फ़िलहाल मैं चादर बिछाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि रात को अंधेरी बहुत ज़्यादा आई थी, तो बहुत ज़्यादा गंद वगैरह था। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले ना घर की सफाई वगैरह कर ली जाए, फिर उसके बाद ही खाना वगैरह खाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं चादर बिछा दूँगी। जी फ्रेंड्स, हमने जल्दी से चादर बिछा ली और हम तीनों ने मिलकर चादर बिछा ली, जल्दी जल्दी से हमारी चादर हो गई है। तो अभी हम खाएँगे खाना, खाओगे खाना आप? जी फ्रेंड्स, हमारा खाना वगैरह तो हो गया डन, तो बच्चे खेल रहे हैं बाहर, तो अब हम जल्दी से। जी फ्रेंड्स, काम वगैरह मेरे सारे हो गए ख़त्म, खाना वगैरह भी हो गया डन। तो अब मैं जाने लगी आंटी की तरफ, क्योंकि लाइट है नहीं है, तो काफ़ी दिनों से मैं गई नहीं, जब से यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आंटी लोगों की तरफ जाया जाए, तो वो पुराना मोहल्ला जहाँ पे। तो हस्बैंड से बात हो गई है, तो हस्बैंड कहते हैं आप जा सकती हैं, तो लाइट का पता नहीं कब आएगी, तो इस वजह से मैंने सोचा चली जाती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो परी कह रही थी मैंने भी आपके साथ जाना है, तो अपनी मम्मा से पूछने गई है। जी फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं, और परी की मम्मा ने इजाज़त दे दी है परी को जाने के लिए, तो क्योंकि परी कह रही थी मैंने भी साथ जाना है, तो फिर उसकी मम्मा को से मैंने खुद पूछ लिया, वो कहती ले जाएँ आप। तो अब हम चलते हैं, हैदर देख रहा है, तो परी ऊपर रेडी होने गई है, तो अब हम लोग चलते हैं। जी फ्रेंड्स, हम बिल्कुल रेडी हो गए, अब हम लोग जाने लगे हैं, तो चलते हैं अब हम लोग बाहर। और तो भी है यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी, तो परी लगाती है दरवाज़ा। परी कह रही थी अभी मैंने लगाना, मैंने कहा चलो लगा, पर इससे लगेगा नहीं। छोड़ो जी फ्रेंड्स, हम लोग अब जा रहे हैं, और तो सामने से धूप इतनी तेज़ है ना, आज इतनी गर्मी लग रही है ना, पैदल चलते हो पसीना भी आना शुरू हो गया, तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। तो आज वैसे भी गर्मी आ गई है, तो ज़्यादा ही गर्मी लगेगी, तो हवा भी वैसे ठंडी ठंडी चल रही है, नहीं चल रही।
जी फ्रेंड्स, अब हम लोग ना बस थोड़ा से दूर आ गए, बड़ी थक चुकी है। बड़ी यार इतना दूर घर क्यों लिया उन लोगों ने, किसने कहा उनको? तो मैंने बोला किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही लिया। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा ही रह गया, मैं और परी थक गए चलते चलते। जी फ्रेंड्स, फाइनली हम अपनी गली में आ गए। वो सामने जो दरवाज़ा खुला नज़र आ रहा है ना, वहाँ से थोड़ा सा ही आ गए आंटी लोगों का घर। तो बहुत थक गए हैं, बहुत दूर है ना घर हमारा, तो इस वजह से यहाँ पे परी भी थक गई है। तभी परी की भी स्पीड स्लो हो गई है, तो इस वजह से। तो सूरज भी सामने, क्योंकि अभी 10 का टाइम है ना, तो इस वजह से धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम अपनी गली में ही एंटर होने वाले हैं, ये गली छोड़कर और अगली गली जो है ना वही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, पहले हम लोग इसी गली में रहा करते थे, इसी बाज़ार में। इधर अब हमें यू टर्न करना है, वो भी आप लोगों को घर दिखाएं। हम मैं अकेली इधर मिलने आ रही हूँ आंटी को। तो ये था पुराना घर, तो अब हम फिलहाल आंटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये है पुरानी, तो वो रहा आंटी का घर भी। तो चलते हैं आंटी की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हम लोग घर जा रहे हैं और टाइम काफ़ी हो गया, तो हमने सोचा अब घर चला जाए। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था हिजाब, क्योंकि दुपट्टा बराबर गिर रहा था, तो इस वजह से। तो अभी तो परी भी तेज़ तेज़ चल रही है, तो अब हम जल्दी जल्दी घर पहुँच जाएंगे। तो पीछे वाली गली से हमने एक गली क्रॉस कर ली, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। जी फ्रेंड्स, हम अपने मोहल्ले में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि हम बहुत तेज़ तेज़ चल रहे थे, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से हम ना तेज़ दौड़ रहे थे, तो सांस भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है। तो बड़ी भी बहुत थक गई यार, तो हम लोग चलते हैं घर। तो वहाँ पे देखो इसका बड़ा भाई हैदर क्या कर रहे हैं दोनों भाई। जी फ्रेंड्स, हमारा खाना तो हो गया रेडी, और हमने बनाया है सिलेंडर पे, तो गैस चली गई थी ना, तो लेट हो गए थे। तो अब हम चलते हैं कमरे में, यहाँ पे दही भी ले लिया, और दही में ना मैंने हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया था। अब मैं और खाएँगे पड़ी खाना, क्योंकि दोपहर के थोड़ा सा हम बैल पे लगे थे, तो पता ही नहीं चला टाइम का। तो मैं लेकर आती हूँ पानी, तो फिर से ले लेते ठंडा पानी। तो मोबाइल में इतना खूबे था कि पता ही नहीं चला कि हमने खाना भी खाना है। तो अभी फ़िलहाल खाना वगैरह बन गया, तो अब हम खाएंगे खाना। तो फिर मैंने बनाए समोसे वाले परांठे, तो साथ मैंने ले लिया दही, और उसमें हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि उससे ये होगा थोड़ा सा टेस्ट आएगा। तो अब करते हैं, तो पूछेंगे परी से कि उसको किस तरह का लगा परांठा। तो खाते आज परी, आप आज रहने दो। तो यहाँ पे हम मज़े वाले परांठे, तो साथ में है दही। मीठे लगे नहीं? तो बहुत टेस्टी है। कैसे को ना मीठे लग रहा है, तो मीठे लग रही नहीं। तुमने खाना था ना, इस वजह से मैंने ज़्यादा मिर्ची ऐड नहीं की। तुमने बोला था ना कि तेज़ मिर्ची हो जाएंगे फिर। तो जी फ्रेंड्स, काफ़ी टेस्टी बना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा मिर्ची इसलिए नहीं डाली, क्योंकि पड़ी कहती थी ज़्यादा मिर्ची मुझे लगती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी कम मिर्ची ऐड की है। आप खाओ। तो पड़ी को तो ठीक लगा ना, उसको तेज़ मिर्ची नहीं लगी हुई, क्योंकि मैंने बहुत कम मिर्ची ऐड की है।
तो अब हम खाते हैं दोपहर का खाना, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये फ्रेंड्स इतना टेस्टी पराठे बने हैं ना, तो कम मिर्ची मैंने ऐड की है, तो एक पराठा हमने मज़े मज़े से खा ली लिया, तो पता भी नहीं चला कि किस तरह बनाए। अच्छा वो कह रही काफ़ी टेस्टी बना है, तो सिर्फ इसका करके मैंने मिर्ची थोड़ी सी कम ऐड की है, नहीं तो मैं तो मिर्ची बहुत तेज़ ऐड करती हूँ, तो वैसे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो दुपट्टा इसलिए बिछा लिया था क्योंकि दही गिर जा गया था, तो इस वजह से हमने कहा दोबारा ना गिरे। जी फ्रेंड्स परी खाना खा रही और मैंने खा लिया था वो खाना, तो मेरा खाना तो हो गया था डन, तो परी खा रही अभी तक। तो हमारी आज ना घर की हालत मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की हुई है। तो यहाँ पे भी पानी और पूरे घर में आज पानी है, तो इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ क्यों। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार पल्ले लगा दिए बस ना, यहाँ पे पानी भर कर रखा हुआ हम लोगों ने, तो पूरे घर में और मौसम भी काफ़ी ज़बरदस्त बना है, तो ये इसलिए हुआ पानी बोतल क्योंकि हमारा पंप हो गया था ख़राब, तो हमने 7 वालों के घर से लिया है पानी यूज़ करने के लिए, तो इस वजह से ना ज़्यादा पानी पर 3 से 4 बार मैंने पल्ली लगा ली, अभी पानी सही से खुश्क नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद हम लोग इसीलिए फिर आंटी के लोगों की तरफ से ना जल्दी आ गए थे, तो क्योंकि पानी लेना था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर चल जाते हैं घर। तो चम्मच लेना आपको 1 मिनट ला कर दे। तो परी ने खाना तो खा लिया, सिर्फ दही रहता, उनको चम्मच चाहिए चीनी डालनी, चलो मैं इनको ना दही में चीनी डाल देती हूँ, तो वो चीनी के सामने खा लेगी दही फिर, तो दे देते हम चीनी डाल के परी को दही, तो ये लो खा लो दही, बर्तन रहने देना मैं खुद ही उठा लूँगी ठीक है। तो आज परी सुबह से आई हुई है, जैसे ही हस्बैंड काम पे गए ना अभी कि अभी मैं खाना बना रही थी, परी मुझे कह रही थी मैं आ जाऊँ नीचे, तो अंकल मामू चले गए, मैंने कहा अभी नहीं गए, हस्बैंड को मामू बोलती हूँ, मुझे आप ही बोलती हूँ, तो मैंने कहा अभी तक नहीं गए, तो जैसे ही उन्होंने बाइक निकाली ये फ़ौरन ही आ गई, मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि इसने कार्टून वगैरह देखने होते हैं और सॉन्ग वगैरह सुनने होते, तो इस वजह से नीचे आ जाती, आज तो अपने भाई के साथ भी आई थी भाई को लेकर, तो काफ़ी देर बैर पर देखते रहे हैं, तो मैं तब तक सफाई वगैरह कर ली थी, इस वजह से ना मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि इन्होंने देखना था, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि बच्चे आइए देखने के लिए यूट्यूब पर कुछ, तो इस वजह से मैंने फिर उन लोगों से ना बैर नहीं लिया था। फिर आंटी की तरफ इसको भी साथ लेगी, मैं रेडी हो रही थी, कहते मैंने भी साथ जाना, मैंने कहा चलो चलते हैं, इसकी मम्मा से पूछा तो हम गए वहाँ पर, हमने थोड़ी देर पर तकरीबन हम 1-1.5 घंटा बैठे, तो फिर हम वापस आए, नहीं तो हमारा प्लान था शाम को वापस आने का, तो बस कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे, फिर जाओगी परी फिर? हाँ परी गाड़ी में जाऊँगी, सर हल्लाती है बोलती नहीं है, जैसे कैमरा उठा लूँ ना चुप कर जाती है, और कैमरा ऑफ कर दूँ तो बहुत बोलती है वैसे। तो जी फ्रेंड्स इसने खाना खा लिया, किस तरह का लगा परी तुम्हें खाना? हाँ इसको अच्छा लगा, तो यहाँ से मैं बर्तन उठा लेते हैं, यहाँ पर देखें मैंने इसलिए बिछाया था, तो बर्तन ले जाते हूँ बाहर, तो करते हैं खाना वगैरह, तो हमारा हो गया सिलेंडर को भी अंदर रखना, तो यहाँ पे तो इसको अभी फ़िलहाल यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि पानी तो है नहीं। जी फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल हम लोगों का खाना तो हो गया डन, तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखेंगे, वैसे फ़िलहाल मैंने CID की भी शो लगाई हुई है वो देख लें, तो फिर उसके बाद तो परी को भी वो शौक है वीडियोज़ में आने के बाद, मैं लेकर नहीं आती, तो CID देखोगे? यस हाँ CID देखने इसने, तो हम अब हम लेट के स्कूल से CID देखेंगे, ये सारा दिन मेरे साथ रहेगी आज भी, क्यों रहोगी ना? यस हाँ इसको ये लगता है शायद मैं वीडियोज़ में आ रही हूँ इसलिए ये सर सिर हिला रही है, तो और इसको मैं वीडियोज़ में लेकर नहीं आ रही, ये पास मेरे बैठी हुई है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मेरे पास ही बैठी हुई है, तो इसको ये है कि मैं भी वीडियोज़ में आ रही हूँ। जी फ्रेंड्स मैं अपने वीडियोज़ को यही करती आई हूँ, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बड़े वक्त मिल सकता है। जिसने इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया वो जाके जल्दी से इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। ओके अल्लाह हाफिज़ बाय।